आपने आज तक देखा है दुनिया का सबसे जहरीला गार्डन? इस गार्डन में जाते ही लोग हो जाते हैं बेहोश, फूलों को छूते ही जा सकती है आपकी जान। हैरान कर देगी इस अजीबोगरीब गार्डन की जानकारी। प्रकृति जितनी सुंदर होती है उतना ही हैरान करने वाली भी होती है। लेकिन क्या कभी आप सोच सकते हैं कि प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, ये सब आपकी जान तक ले सकती है। वैसे तो अक्सर ही फूलों के बीच, पौधों के बीच या फिर पार्क बागीचों में डॉक्टर सुबह शाम घूमने की सलाह देते हैं, टहलने की सलाह देते हैं, ताकि अच्छी स्वच्छ हवा और साफ वातावरण आपको मिल सके। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसा गार्डन है, ऐसा बागीचा है जो बेहद जहरीला है। यहाँ तक कि उस गार्डन का नाम ही है द पॉइजन गार्डन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई गार्डन जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, जिसे घूमने के लिए ही बनाया जाता है, वो जहरीली हो सकती है, वो भी इतनी कि आपकी जान तक जा सकती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के थंबरलैंड में स्थित द पॉइजन गार्डन की। इस पॉइजन गार्डन की यही विशेषता और यही खामी है कि इसके अंदर बेहद जहरीले 100 से अधिक ऐसे पौधे हैं जिसे गलती से छू लेने से आपकी जान जा सकती है। ये जानते हुए बावजूद इसके लोगों के घूमने के लिए ये बनाया गया है और लोग हर साल लाखों की संख्या में यहाँ घूमने पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, इस गार्डन की तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। यहाँ लगाए गए फूल आपको आकर्षित भी करेंगे। गार्डन के बाहर जो गेट लगा है उस पर साफ साफ अंदर सावधानी बरतने के लिए लिखा गया है और अपने जोखिम पर अंदर जाने के लिए लिखा गया है। अगर आप मजाक मजाक में चेतावनी को उड़ा देते हैं और गलती से भी लापरवाही करते हैं तो आपकी जान जा सकती है। इतना ही नहीं, इस गार्डन में जाने से कई लोग बेहोश हो जाते हैं। दरअसल पॉइजन गार्डन को 2005 में बनाया गया था। अब सोचने वाली बात है कि अगर इतनी ही जहरीली है ये गार्डन तो इसे बनाया ही क्यों गया। इस बागीचे को बनाने के पीछे मकसद इन जहरीले पौधों के बारे में लोगों को जानकारी देना है, ताकि लोग इन सब से दूर रह सके। यही वजह है कि जब भी कोई पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, उन्हें पहले सुरक्षा की पूरी ब्रीफिंग दी जाती है, बाद में गार्डन में ले जाया जाता है, ताकि वो किसी चीज को न छुए, न सूंघे और न ही चखने की कोशिश करे। रंग बिरंगे लुभावने पेड़ पौधे कितने जहरीले हो सकते हैं, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वही एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसे लोग भी होते हैं जो गार्डन में चलते घूमते फिरते या अंदर जाते ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पौधों में से छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकल रहे होते हैं, हवा में घुल जाते हैं, जहां सांस लेने के जरिए वो आपके अंदर जाते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण शख्स बेहोश हो जाता है, क्योंकि कुछ पौधों में से जहरीली हवा यानी कि धुआं भी निकलता है जो जानलेवा होता है। जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि कितने जहरीले पौधे होने के बावजूद यहाँ पर साल भर में 8 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो लगभग 14 एकड़ के क्षेत्र में इस फैले बगीचे में घूमते हैं। और 14 एकड़ में 7000 पौधे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जहरीले श्रेणी में आने वाले 100 पौधे हैं। यहाँ पर जो रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं उसे सूंघना तोड़ना मना है। अगर आप इनके पत्तों को गलती से चख लेते हैं तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम यानी कि तांत्रिक तंत्र पर सीधा हमला करेगा और आपकी वही स्पॉट डेथ यानी कि मौके पर मृत्यु हो जाएगी।